मेरे YouTube चैनल पे सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो चैनल पे नए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वैकेंसी की सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पे आपसे बहुत ही बड़ी वैकेंसी आपकी आ चुकी है, खुशखबरी आ चुकी है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया है, सीटी नर्सरी किया है, डीपीएससी किया है उत्तर प्रदेश में, उनके लिए वैकेंसी आ चुकी है। ये देखिए आप सभी लोग, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं परियोजना, राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या निषादगंज लखनऊ की तरफ से ये नोटिस आपकी जारी हुई है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, ये 24 तारीख की आपकी नोटिस है। आज 25 अगस्त है, 24 अगस्त को ये नोटिस रिलीज हुई है। विषय इसमें देखिए कि आज यह वक्त समग्र शिक्षा एवं पीएम 3 के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मध्य में मानव संसाधन ईसीसी एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन ईसीसी एजुकेटर को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो ईसीसी एजुकेटर की यह वैकेंसी है और 10,668 पदों पे पूरे उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई है। हर जनपद में इसके पद आपके आए हुए हैं। आइए देखते हैं इसका मानदेय क्या रखा गया है। तो एक केंद्र पे एक ईसीसी एजुकेटर नियुक्त होगा और ये जो भर्ती है ये संविदा पे आपकी भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी। 10,313 के मानदेय पे, प्रतिमाह के मानदेय पे आपको रखा जाएगा। पद का नाम देखिए आपका क्या है, ईसीसी एजुकेटर। पदों की संख्या 10,684, 75 जनपद हैं और उसके बाद सभी जनपदों में वैकेंसी है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपकी नियुक्ति होगी। संविदा अवधि आपकी 11 माह की है, नियुक्ति होगी और उसके बाद फिर मानदेय आपका 10,313 प्रतिमाह और पीएफ प्लस ईएसआई सहित आपका पीएफ भी रहेगा, ईएसआई भी आपका इसमें रहेगा इंक्लूड। तो 10,313 रुपए आपको मिलेगा। अब इसमें आपकी शैक्षिक योग्यता देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दिया बिर द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। मतलब आपने अगर बीए किया है गृह विज्ञान होम साइंस मेन सब्जेक्ट में, मेन सब्जेक्ट थर्ड ईयर में आपका रहा है, तो अगर 50% से आप पास आउट हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। हो आरक्षित वर्गों के नियमानुसार न्यूनतम 5% अंकों की छूट, मतलब जिन्होंने होम साइंस से अपना ग्रेजुएशन किया है वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। या और क्या, अगर उनके पास होम साइंस नहीं है तो अगर उन्होंने नर्सरी अध्यापक शिक्षक एनटीटी सीटी नर्सरी डीपीएससी का कम से कम 2 वर्षीय अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो किया हो, मतलब आगने अगर आपने एनटीटी सीटी नर्सरी डीपीएससी का भी कोर्स किया है 2 साल का डिप्लोमा का, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए आपकी प्री प्राइमरी की भर्ती है, प्री नर्सरी की भर्ती है, आपकी नर्सरी अध्यापक की भर्ती है। और उसके बाद आवेदनकर्ता की जो आयु होगी वो 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी जो एज है वो 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका मोटा मोटा इसमें पूरा सिस्टम है फॉर्म भरने, मतलब आपकी योग्यता क्या इसमें मांगी गई है और उसके बाद कितनी सैलरी रहेगी, किस कैसे चयन, मतलब आपका आउटसोर्सिंग के माध्यम से वैकेंसी क्या सैलरी है। तो इस प्रकार से आप सभी को इसमें बताया, और भी जितनी जानकारियां हैं इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। हर जिले में वैकेंसी आई हुई है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके और डिटेल, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा और जितनी भी डिटेल है, फॉर्म भरने का लिंक कहाँ से उपलब्ध होगा, कब फॉर्म भरा जाएगा, कब से स्टार्ट होगा, सभी के बारे में वीडियो आपको बताते रहेंगे। तो आप सभी लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को जरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।